अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी से सहृदय निवेदन है, वे अपने संबोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। देश के विभिन्न कोनों से यहां केवड़िया इस एकता नगर में आए पुलिस बल के साथी, एनसीसी के नौजवान, कला से जुड़े हुए सारे आर्टिस्ट, देश के विभिन्न हिस्सों में एकता दौड़ रन फॉर यूनिटी में शामिल हो रहे नागरिक भाई बहन, देश के सभी स्कूलों के छात्र छात्राएं, अन्य महानुभाव और सभी देशवासियों, मैं एकता नगर में हूं पर मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। गुजरात सरकार पूरी शक्ति से कल शाम से ही राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। केंद्र सरकार की तरफ से भी राज्य सरकार को पूरी मदद दी जा रही है। बचाव कार्य में एनडीआरएफ की टीमों को लगाया गया है, सेना और वायुसेना भी राहत के काम में जुटी हुई है। जिन लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, वहां भी पूरी मुस्तैदी बरती जा रही है। लोगों की दिक्कतें कम से कम हो, इसे प्राथमिकता दी जा रही है। हादसे की खबर मिलने के बाद ही गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई रात को ही मोरबी पहुंच गए थे। कल से ही वो राहत और बचाव के कार्यों की कमान संभाले हुए हैं। राज्य सरकार की तरफ से इस हादसे की जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी गई है। मैं देश के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि राहत और बचाव के कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। आज राष्ट्रीय एकता दिवस का यह अवसर भी हमें एकजुट होकर इस मुश्किल घड़ी का सामना करने, कर्तव्य पथ पर बने रहने की प्रेरणा दे रहा है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में सरदार पटेल का धैर्य, उनकी तत्परता से सीख लेते हुए हम काम करते रहे, आगे भी करते रहे। साथियों, वर्ष 2022 में राष्ट्रीय एकता दिवस का बहुत विशेष
अवसर के रूप में मैं इसे देख रहा हूं। ये वो वर्ष है जब हमने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं।